नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और ये बड़ा जबर वीडियो है क्योंकि टाइटल मैं पढ़ूंगा इसका तो आप समझ जाएंगे, इंडिया बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी IMF न्यू रिपोर्ट। तो बिल्कुल बात सही, IMF ने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो इंडिया चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, पांचवी तो होना ही, और हम जापान को पीछे छोड़ने वाले हैं और जापान के बाद फिर जर्मनी का नंबर है। तो लेट्स सी भाई कि पाकिस्तान से इस पर क्या रिएक्शन आ रही है। हम ये बात करेंगे कि IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया 2025 में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, जापान को काट के दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका होगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि आबिद अली भाई इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चोई साहब, मुझे आपकी खबर का मजा नहीं आया। अच्छा? कि दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हिंदुस्तान बनने जा रहा है। हाँ। और आपने खबर को कोई मजेदार, जैसे मीडिया मसाले लगा लगा खबर बताता है, इस तरह आपको खबर सुनानी चाहिए। अच्छा? आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इस तरह की स्टोरी को पता चले कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। लेकिन इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा चोई साहब दिवाली के ऊपर। देखिए मेरी बात सुने चोई साहब, आपको आइडिया होगा कि आबिद अली ना किसी से डरता है ना किसी से लेके खाता है। पाकिस्तान का वजीर आजम भी हो, कोई गलत बात कर रहा हो, गलत फैसला हो उसका, तो उसके ऊपर भी आबिद अली बोलता है और बात करता है, चाहे वो पाकिस्तान के अदारे हो, उसके ऊपर भी आबिद अली खड़ा होकर बात करता है। लेकिन जिस जगह पे पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया है उधर भी बात करनी चाहिए, उधर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई CM पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा के ऊपर, कि बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने प्रॉपर एक दिवाली का फंक्शन सेलिब्रेट किया। इवन के इस तरह नहीं कि कोई खबर चलवा दी कि दिवाली मुबारक हो, कि टीवी पे खबर आ गई, कोई अखबार में खबर आ गई, इस तरह नहीं। प्रॉपर उन्होंने एक इवेंट अनाउंस किया, उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदू भी थे, प्रॉपर मिनोरिटी जो है ना उन्होंने इकट्ठी करके दिवाली सेलिब्रेट की और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की। तो मरियम साहिबा ने इस जगह पे मेरा भी दिल जीत लिया और पाकिस्तानी अवाम का, इवन के पूरी दुनिया का, और अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया के बीच में। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा काम किया कि उधर हिंदुओं को एक बड़ी अच्छी रिलीफ दिया उन्होंने, एक पैकेज दिया उन्होंने कि हिंदुओं को 15,000 रुपए जो है ना फी घर फी फैमिली को 15,000 रुपया मंथली जो है ना वो स्टार्ट किया। ठीक है, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इधर उन्हें ये चाहिए था कि उन्हें मोहताज ना बनाती, कि उन्हें बैठे बैठाए खाने पीने की आदत ना डालती, उन्हें कोई नौकरियां देती सरकारी। पंजाब में नौकरियां मिलती, कराची में मिलती, हर जगह पे मिलती उन्हें नौकरियां, कि वो खुद मुख्तियार होते, वो आपके अपना घर खुद चलाते, वो अपनी जॉब करते, अपना रोजगार कमाते और ना किसी पे बोझ बनते और पाकिस्तान को, इवन पाकिस्तान की खिदमत करते जैसे वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये बात की दिवाली पाकिस्तान में सेलिब्रेट की गई, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब आप ये बात करते थे तो या हम बात करते थे इधर सड़क पे खड़े होके तो क्या माहौल होता था? आपको नहीं लगता ये हमारी भी मेहनत है? जी साहब, ये हमारी मेहनत है। तो आज मरियम साहिबा जो है खड़े होके दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हम नाम लेते थे ना खड़े होके, तो हमारे पर फतवे लग जाते थे, लोग हमें बुरा भला कहते थे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों ले लिया आपने। तो आज तो प्रॉपर एक दिवाली सेलिब्रेट हो रही है पाकिस्तान के बीच में, तो ये बड़ा अच्छा इवेंट है और होना भी चाहिए यार। बल्कि सिर्फ यहाँ की नहीं, मैं कहता हूँ बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत हमारी मेहनत, इवन इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने देखा है कि भाई वो सेलिब्रेशन के गिफ्ट जो उनसे दिवाली के गिफ्ट एक दूसरे को दे रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर हमने ये चीज देखी है। सर आप तो इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है, जहाँ पे हमारे हज होते हैं, इवन के मुस्लिम बहुत से ऐसे ममालिक है जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट हुई है और उनमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, कि तो पाकिस्तान में भी दिवाली सेलिब्रेट हुई है और बड़े अच्छे तरीके से हुई है। और मैं आपको फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा, ये आपकी मेरी हम सबकी मिलके ये कोशिशें रंग लेके आ रही हैं, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हम इधर खड़े होकर इंडिया की बात करते थे तो लोग खड़े होकर हमारे पर फतवे लगा देते थे, हम बुरा बना कहते थे। जी हिंदुओं की बात कर रहे हो, हम तो ईद मनाते हैं, तो दिवाली की बातें कर रहे हो, मुसलमान होके दिवाली का नाम ले रहे हो, आपकी जुबान पलीत हो गई, आप तो काफर हो गए हो, इस तरह की बातें। तो आज मरियम साहिबा ने दिवाली सेलिब्रेट करके सब बातों के जो है सबके मुंह बंद कर। अच्छा ये चीज है, चले हमारा टॉपिक तो वही है कि भाई दुनिया की चौथी बड़ी। लेकिन देखिए आबिद भाई, अच्छी बात है कि उन्होंने किया और ये इसलिए अच्छी बात है क्योंकि पंजाब में जो भी रहते हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, चाहे अहमदिया हो, वो उन सब की CM है। तो ये उनका फर्ज है कि वो हर किसी के खुशियों में, हर किसी के त्योहारों में शरीक हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात, क्योंकि आप
उस इलाके के मुखिया हैं। लेकिन ठीक है, दो चार लोग, दस लोग ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जनता, मैं अभी दूसरे पब्लिक रिएक्शन चैनल वालों को देख रहा था, उस पर जो महिलाएं आ रही थी, जो बच्चे आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे, वो सब यही कह रहे थे कि दिवाली क्यों भाई, वो तो हिंदुओं का त्यौहार है, हमें उससे क्या मतलब है, हमें उसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए और पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए इसकी। मैंने वो भी सुना। तो आप जैसे लोग बड़े कम है पाकिस्तान में, और जो दूसरे वाले जिनको बताया उनकी संख्या ज्यादा है। आप जैसे लोगों के 5%, वो है 95%, लेकिन फिर भी चलिए अच्छा है। और मौलवी मौलाना तो कभी नहीं मानते, जिनसे लोग लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिनको लाखों लोग जिनको फॉलो करते हैं, वो तो नहीं मानते ये बात। वो तो मरियम नवाज को भी हुक्मरान नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम में तो साफ साफ मना ही है कि महिला हुक्मरान नहीं हो सकती, औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। इस्लाम ने यह दर्जा दिया है इस्लाम ने औरत को, कुछ भी हो जाए हम आपको हुक्मरान ही नहीं कर रहे थे, वहां पर तो सिर्फ हम बैठेंगे, मर्द बैठेंगे, औरतें कैसे बैठ जाएंगे, तो मानते ही नहीं है। तो वो ये भी नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि जिसको हम हुक्मरान मानते ही नहीं है, जो इस्लाम में खारिज है, वो चाहे जाके कुछ भी करे, उससे हमें क्या मतलब। तो ये भी है, बट हां, लेकिन ये अच्छा कदम है, ये अच्छा कदम है और करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए। चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है 2025 में, लेकिन हमने ये चीज चेक की है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया, लेकिन उन्होंने जहां पे किया वो एक बड़ी स्पेशल जगह बॉर्डर पे जाके अपने जवानों के साथ उन्होंने। जो साहब, मैं ये अब पहली बार नहीं हुआ, मैं बड़ी देर से ये चीज नोट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, देखें वो दिवाली सेलिब्रेट करना चाहे तो अपने घर में, वजीर आजम हाउस जो है वो तो दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, दिल्ली के बीच में बड़े प्रोटोकॉल से लेट के मजे से पूरा एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा बड़ा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो छुट्टी नहीं मनाई, उन्होंने वो एंजॉय नहीं किया, उन्होंने अपने सोल्जर के बीच में जाके वो अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो सोल्जर वो है कि वो हिंदुस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तानी सोल्जर हो, चाहे हिंदुस्तानी सोल्जर हो, चाहे हमारी ईद हो, चाहे उनकी दिवाली हो, अपनी कंट्री के लिए देखे बॉर्डरों पे खड़े होकर अपने लोगों को चैन की नींद सुलाते हैं, अपने लोगों को दिवाली सेलिब्रेट करवाते हैं, ईद सेलिब्रेट करवाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये एकदम बहुत ही पसंद आया कि देखे दूर जगहों पे जाके, सर नजदीक नहीं, वो दूर जाके बॉर्डर्स के ऊपर जाके वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने ये पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं, या अपने अपनी आर्मी को ये मैसेज देते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, खैर टॉपिक की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये वही IMF है जिससे पाकिस्तान जो है हम लोग, अच्छा हाँ क्या, अच्छा अच्छा मिलिट्री के लोग भी मर्दा मौजूद है इधर, साथ आ जाए, अगर आप कोई बात करना चाहिए तो जरूर करिएगा, किसी एजेंसी के तो नहीं है कोई? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें, उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले ये कहें कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है, ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है, तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, बर्तानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बरेसगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे ऊपर राज किया, जैसे चोरियां की। आविद भाई, बरेसगीर पाक हिंद होता था, पाक कहां था वैसे 1947 से पहले? अंग्रेजी में इसका नाम जहां भी डॉक्यूमेंटेड है इसको कहते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप हिंदी में, पाक इसमें कहीं नहीं था। ये पाक का चूरन, ये नैरेटिव पाकिस्तानियों ने दिया है, पाकिस्तान में दिया गया है, पाको हिंद था, पाको हिंद। अरे पाक कब था? 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान कहां था कि पाको हिंद होगा? वरना पाक हिंद महासागर नहीं होता, इंडियन ओशन क्यों होता? इंडो पाक ओशियन होता। इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों होता? इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट होता। कब तक ये चूरन खिलाते रहेंगे आप लोग यार? बरे सगीर पाको हिंद नहीं था, वो बरे सगीर पाक था ही नहीं, वो बरे सगीर हिंद था वो।
हिंद ही था और हिंद ही रहेगा। आप सूरज को चांद कहना शुरू कर दो तो सूरज चांद नहीं बदल जाएगा, कहते रहो। जो सच्चाई है तो सच्चाई है ना, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही रहेगा। और ये की तो बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने, तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बर्तानिया को पीछे छोड़ा और बर्तानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे भीड किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक स्त्री कपड़े स्त्री करने वाली जो स्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था उसकी, इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी, ये बारी मैं जानता हूं, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया, तो ये बहुत बड़ी चीज। ये तो आबिद भाई की ओपिनियन है ना, आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या सोच रखता है, ये तो ये हो गया ना एक तासुर जो है। हालांकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि आबिद भाई जितना पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए, शायद ही कोई और इस तरीके से ओपनली आगे बोलता हो, लेकिन आम पाकिस्तानी क्या क्या समझते हैं। इंडिया आए दिन खबर, उधर से पॉजिटिव खबर आती है, बड़ी खबर आती है, कभी हम सुनते हैं दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी, कभी चौथी अभी खबरें आ रही है, कभी वो चांद पहुंच जाते हैं। ये क्या है, ऐसा खा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, या फेक खबर है सब? देखें, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें कि इस वक्त जो हम लोग जो पैट्रियट पर्सन होते हैं ना, अपनी लाइफ के अंदर जो सर उनका एक एम होता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना, उस पहुँचने के अंदर जो मुसलमान होता है ना, बीइंग मुस्लिम होता है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, वो उसको जजमेंट करता है, ठीक है, उसको देखता है, परखता है उसको, जजमेंट को उसको, ठीक है, उसके बाद फिर वो फैसला डिसीजन करता है वो, ठीक है, उसके बाद फैसला डिसीजन करता है। अगर किसी को इनकी बात समझ आई, मुझे क्योंकि नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुद्दे के ऊपर आए दोबारा, ठीक है, अच्छा चौथी इकोनॉमी पांचवी इकोनॉमी तो आपको बता दी, इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा, तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे, लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा, इस बार आप देखिएगा। जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूँ कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया, और ये मैं सब, अरे आबिद भाई खबर आ चुके यार, ये खुद IMF कह चुका है, कई और S&P ग्लोबल है उसने कह दिया है, और आज नहीं साल साल भर पहले कह चुके हैं, तो खबर आ चुकी है, डोंट वरी। ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता, और मेरे ख्याल से और असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है, क्योंकि तीन दुनिया की सुपर पावरें, तीन दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो तीन बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करें, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं, देखिए मियां नवाज शरीफ ने ग्वादर क्यों स्टार्ट किया, क्यों किया, इसलिए किया कि वहां पर जो उतरना है ना, वहां पर जो उसने जहाज वहां पर उसकी डीपली जो उसे गहराई है ना, सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो ज्यादा वहीं पर ही है, ठीक है, लेकिन वो सी पैक मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा प्रोजेक्ट, हम क्यों नहीं उससे कुछ फायदा ले पा रहे, वो कभी प्रोजेक्ट सुनते हैं रुक गया, कभी फिर सुनते हैं स्टार्ट हो गया, आजकल भी रुका हुआ हो गया, कभी चाइनीज मार दिए गए,
ये तो आम सी बात होगी कि उधर चाइना के इंजीनियर मार दिए जाते हैं। यानी जिस चीज का हम बेनिफिट ले सकते थे ना सी पैक से, कि भाई बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है, गेम चेंजर है, और जिस वजह से वो गेम चेंजर था वो दूसरे इर्द गिर्द वाले कंट्रीज ने उसका अपना हल निकाल दिया, अल्टरनेटिव निकाल लिया है, अपना ईरान ने चाबहार पोर्ट बना लिया। वो शायद जब सी पैक कम्प्लीट हो तब पता चले कि यार इस तरह के पोर्ट तो इर्द गिर्द काफी ज्यादा मौजूद है। ये चाबहार के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है और वो रुक नहीं रहा ना, उधर किसी मुल्क के इंजीनियर को मारा जा रहा है और उसमें तीन चार कंट्रियां मिलके वो बना रही है, चाहे ईरान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, हिंदुस्तान हो जाए, और भी कोई कंट्री हो सकती है। तो इन्होंने मिलके बड़ा सॉलिड बना रहे हैं और हमारा जो पोर्ट है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आमने सामने ये बन रहे, दूर नहीं है। और फिर बड़ी बात ये कॉरिडोर की अगर बात करें, और बाय द वे चाबहार पोर्ट से आना जाना शुरू हो गया है, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, अभी कुछ ही हफ्तों पहले चाइनीज सामान जो अफगानिस्तान से आया वो चाबहार पोर्ट के जरिए चाइना गया, चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल उस उनके शिप्स ने किया, और बाकी इंटरनेशनल और साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें भी इसका इस्तेमाल है, बंदर अब्बास का है इसका है, और सामान का आना जाना शुरू हो गया है। चाबहार पोर्ट खाली नहीं बैठा है ग्वादर की तरह। मैं फिर कह रहा हूं ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होना, अगर कोई एक सुलझा हुआ पाकिस्तानी होगा जो मेरी बात गौर से सुनेगा वो समझ जाएगा, ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ चाइना अपने लिए करेगा। आप जब मैप देखेंगे, मान लीजिए चाइना और भारत में प्रॉब्लम होती है, चाइना का जो ट्रेड रूट है वो इंडियन ओशन होके जाता है, वो मलक्का स्ट्रेट से जाता है, इंडिया होके जाता है, और इंडिया उस सूरत में उसको ब्लॉक कर देगा, चाइना के पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए रास्ता नहीं बचेगा। तो वो अल्टरनेट रास्ता है जो ग्वादर पे आएगा और ग्वादर से फिर बाय रोड चीज सामान पहुंचेगी, या चाइना से आएगी चीज और वो ग्वादर पहुंचेगी और ग्वादर से बाय शिप जाएगी। आप इस बात को, आप लोग इतनी इतनी सिंपल सी बात को आप लोग समझते क्यों नहीं? ग्वादर पोर्ट या सीपैक पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया जा रहा है, चाइना अपने लिए बना रहा है। एक तरह से उसने उस उतना इलाका आपसे लीज पर ले लिया, पैसे फेंक के आपके मुंह पे, तो बोला है कि इलाका मुझे दे दो, ये पूरी रोड मैं बनाऊंगा, ये पूरा पोर्ट मैं बनाऊंगा, एयरपोर्ट मैं बनाऊंगा, और ये सिर्फ मेरे काम आएगा। आप देखना, वरना पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, अगर पाकिस्तान को इतना ही फायदा होना था तो यहां से चाइना 91% की कमाई पर चाइना का हक क्यों है? ऐसी डील क्यों की गई है? पाकिस्तान ने ऐसी डील क्यों की कि ग्वादर पोर्ट से होने वाली कमाई 91% चाइना ले जाएगा, 9% आपको मिलेगा, मतलब 100 रुपए में से 91 रुपए चाइना ले जाएगा, 9 रुपए आपको देगा, मतलब आपको भीख दे रहा है क्या? पीनट्स बांट रहा है। वहां काम करने वाली भी चाइनीज, वहां के ऑफिसर्स भी चाइनीज, उनकी सैलरी भी जो जा रही है वो चाइना को ही जा रही है। वहां पे पाकिस्तानी कितने काम करते हैं? वहां भी 91-9 का एवरेज है। अगर 100 लोग काम करें तो 91 चाइनीज है, 9 पाकिस्तानी है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती, ध्यान से सोचिए कर उन्होंने अभी बात समझाई। अगर बात करें जैसे हम सीपैक कहते हैं, सीपैक इसी तरीके से अभी ब्रिक्स में रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि इंडिया, ईरान और रशिया ये अपना कॉरिडोर बना रहे हैं, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब एक पूरा रास्ता बना रहे हैं जिसके थ्रू वो ट्रेड करेंगे। हम उस चीज में भी पीछे नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है यार, ठीक है, ये कोई बात बताने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमें मजा आता है ये बता के कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जी दुनिया में बड़ी बदनाम इकोनॉमी हो चुकी है, आईएमएफ के पास, आईएमएफ के आगे हम घुटने टेकते हैं जाके, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, दुनिया के किसी कंट्री में चले जाओ तो हमारे कपड़े उतरवा लेते हैं, तो ये चीजें बताते हुए हमें को मजा नहीं आ रहा होता, हमें तकलीफ हो रही होती है। हिंदुस्तान पासपोर्ट से याद आया, आप सोचिए, एक है पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, यूट्यूबर भी है, जुनैद अकरम, आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया ने उनको वीजा देने से मना कर दिया जबकि वो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे। सुनिए, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किया था और ऑस्ट्रेलिया ने बगैर कोई खास वजूहत के मेरा वीजा कैंसिल कर दिया, हालांकि मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुका हूं। आप मेरी ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट और मेलबर्न की वॉकिंग टेल्स भी देख चुके हैं, मगर उसके बावजूद मेरा वीजा कैंसिल हो गया। आप समझ रहे हैं, जुनैद अकरम जो एक पाकिस्तानी है, वेल नोन पर्सनैलिटी है, यूट्यूबर है और भी उनके बिजनेस है, दुनिया जानती है, ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, दोबारा नहीं जाने दिया, बोला कि नहीं वीजा नहीं देंगे पाकिस्तान को। ये तो हालत है, अब सोचो आम पाकिस्तानियों की क्या हालत होती होगी, कितने बेइज्जत फील करते होंगे यार आम पाकिस्तान, और बेइज्जत फील क्यों ना कर। स्क्रीनशॉट लगाया, चौथा सबसे खराब पासपोर्ट पिछले 7-8 साल से बना हुआ है, चौथा दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट,
तो आप लोगों को तो नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, छाती एकदम फूल के हो जाना चाहिए कि देखा कायम है हम अपनी पोजीशन पे, नंबर चार दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट कायम है, हिले नहीं है, हो सकता है कल को नंबर तीन भी हो जाएंगे हम। शर्म तो आती नहीं होगी पाकिस्तानी में आप लोगों को अपने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत देखकर, औकात देखकर। लाओ शर्म बे लाओ, बात रखता है। इवन बांग्लादेश की बात कर ले, बांग्लादेश में भी ये जो रिजीम चेंज हुआ, कहा तो यही जा रहा है कि भाई स्टूडेंट्स ने ये कर दिया, स्टूडेंट्स ने, जबकि वो भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ, और आज बांग्लादेश की जो सिचुएशन है बिजली को तरस रहे हैं, इवन इंडिया ने ये कह दिया, यानी कि खबरें आ रही हैं कि अडानी ग्रुप ने ये कह दिया कि हम गौर करेंगे कि भाई आगे नेक्स्ट बांग्लादेश को बिजली देनी है या नहीं, अगर वो बिजली नहीं, नहीं बांग्लादेश को जाने वाली आधी बिजली तो इन्होंने काट दी, कम कर दी, $800 मिलियन से ज्यादा का बकाया है, बोला कि भैया पैसे दो यार, और भारत सरकार ने नहीं किया है, अडानी ने किया है, भाई उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी को आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, कब तक वो फ्री में आपको बिजली देते रही भाई, $850 मिलियन कम होते हैं क्या, तो आधी बिजली कर दी। अभी तो आने वाले टाइम में बांग्लादेशियों को, कंगलों को और भी मजा आने वाला है, चिंता मत करो। बिजली की तार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि तार लगाई या काट देंगे, मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ, अगर उन्होंने तार काट दी तो क्या होगा, मतलब सर $800 मिलियन जो है ना, या $800 मिलियन जो है ना, वो बांग्लादेश से लेने हैं बिजली के सूरत में, ये अडानी ग्रुप की बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने लेने हैं। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश जो है ना वो भी कोई अच्छी हरकतें नहीं कर रहा है, जो उसके मुल्क में हो रहा है, जिस किस्म की गवर्नमेंट उसके मुल्क में आ गई है, आज से एक साल पीछे आप चले जाए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश सॉलिड था किसी भी लिहाज से देखे, उसकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही थी और वो तरक्की भी कर रहा था, क्योंकि वो अपने हमसायों के साथ हाथ मिला के चल रहा था। आज बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी हुई है, लोग मर रहे हैं उधर, किसी की टांग काट दी जाती है, किसी का सर काट दिया जाता है, किसी को दिवाली नहीं मनाने दिया जा रहा है, ये बांग्लादेश में हो चुका हुआ, ये हो रहा है सारा। और अमेरिका की बात आपको बता रहा था, वो मजे की बात थी, वो अपने इक्के। लेकिन एक बात बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रही है कि हिंदू वहां के अब जाग गए हैं, और हिंदू अपना राइट नहीं छोड़ेंगे। अगर बांग्लादेशी मुसलमान ये सोच रहा है कि हिंदुओं को हम वहां से भगा देंगे, हिंदू अपनी जमीन छोड़ के जाएगा और हम उस पर कब्जा हो लेंगे, हिंदू अपनी दुकान छोड़कर जाएगा हम उस पर कब्जा कर लेंगे, हिंदू अपना घर छोड़कर जाएगा हम उस पर कब्जा कर लेंगे, हिंदू की बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ वो खेल रहा है और वो बच जाएगा, हिंदू जाग गए हैं वहां पर और बहुत भयानक तरीके से जागे हैं, और ऐसे जागेंगे कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा, यकीन मानिए। और वो बांग्लादेशी हैं, वो वहीं के हैं, और एक बार खूंटा गाड़ दिया उन्होंने, वो खूंटा उखड़ने वाला नहीं है वहां से, वो ना हिलने वाले, और वो आप लोगों का जीना मुहाल कर देंगे। आप जानते नहीं है बांग्लादेशी हिंदुओं को, वो पूरी दुनिया के लिए नजीर बनेंगे, देखना पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे, और शुरुआत हो चुकी है, बिलबिला रहे हैं मौलाना लोग वहां पर, सरकार भी आप बिलबिला रही है वहां की, सरकारों को भी उखाड़ फेंकेंगे वहां से, तो देखिएगा। वो अपने इक्के दुक्के साथ रखता है, इक्के दुक्के किस तरह रखता है, जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह अब कनाडा हो गया, जो अमेरिका खुद नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी को उसने बुरा भला कहना है या किसी के अंगेज उसने चलना है, तो वो पाकिस्तान को यूज करेगा, वो कनाडा को यूज करेगा, वो बांग्लादेश को यूज करेगा, तो हमेशा वो बैकअप प्लान रख के चलता है। अभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपने देखा होगा, बड़ी जगहों पे उसकी अमेरिका के साथ इत्तेफाक नहीं हो रहा, कई बातों में इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो वो उधर हमारे पास एटमी ताकत है। हाँ अच्छा, वो कह रहे हैं मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं, एग्री नहीं करता, हमारे पास क्या है, एटमी ताकत है, ठीक है, आपके पास एटमी ताकत है, तो हम पाकिस्तान के पास, मतलब हमारे पास तो क्या फायदा ले रहे हैं एटमी पावर का, हम जब बताएं सर जी, हमने इसराइल की जंग रुकवा दी, फलस्तीन पे जो मामला हो रहे हैं वो रुकवा दी, आपको पता है हिरोशिमा में जो वाकया हुआ था ना, हाँ हाँ, उसमें बड़े नुकसान हुए थे, ठीक है, हर कंट्री जो उसने डरती है, हर कंट्री डरती है कि ये, हाँ ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दे, फायदा क्या हुआ, चलें आपके अलावा और जितने भाई खड़े हैं उनसे बात करते हैं, भाई जान मुझे बता दें, एटॉमिक पावर है हम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या हम इसराइल की जंग, ये फलस्तीन की जंग एटॉमिक पावर होने से रुकवा क्यों नहीं देते, ये मुसलमानों पे जो हम कहते हैं जी जुल्म हो गया, वो जुल्म रुकवा क्यों नहीं देते, क्यों नहीं इसराइल को धमकी देते, खबरदार अगर आप तुमने ऐसा किया तो हम एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर, हम बम फेंक देंगे, ऐसा क्यों नहीं कहते,
क्या वजह समझते हैं? ये तो हुक्मरानों की वजह से ऐसा हो रहा है। आप बताएं क्या समझते हैं? लेकिन जी जो हिरोशिमा, हम रोक क्यों नहीं देते? हिरोशिमा में जो सुने उसमें जब ये इसका ब्लास्ट हुआ है ना, तो इस तरह यानी के उड़े हैं लोग, जिनका एक बंदा बैठा हुआ तो बैठा ही रह गया, ठीक है, सारे पुर्जे उसके। भाई वो बात सर हिरोशिमा की बात बताता हूँ, हिरोशिमा नागासाकी सुनिएगा, तो फिर आगे निकल गए, वो तो तबाह हो गए, फिर आगे निकल गए। मैं बताने लगा था हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम अमेरिका ने गिराया, वो पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। वो जब शहर तबाह हुए, लेकिन उन्होंने दुनिया की तेज तरीन ग्रोइंग करके दिखाया उन शहर को दोबारा, और उससे ज्यादा लेटेस्ट बना के दिखाया उन शहरों को। आपने कहा पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, तो पाकिस्तान हमने क्या किया? तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एटमी पावर रख के भी दुनिया में के इस्लाम के ऊपर मुल्क बना था, दुनिया में इस्लाम का क्या बोलबाला किया पाकिस्तान ने? मेरी बात सुनो जी, हिरोशिमा की आप एग्जांपल देना, हिरोशिमा तबाह हो गए, मेरी बात नहीं नहीं खत्म नहीं, आप देखे हम जो बात कर रहे थे वो तबाह हो गया, दोबारा डेवलपमेंट की तरफ आ गया, वो फिर दुनिया की तीसरी चौथी पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया। हम कहते हैं एटॉमिक पावर है, हमारे एटॉमिक पावर से हमने क्या फायदा लिया? देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना एजुकेशन, उतना लिटरेसी, हाँ लिटरेसी रेट ठीक है, वो बहुत कम है। आप ठीक हो गया, लेकिन इसे प्रमोट करना चाहिए, पेंसिल तो आपने रखी है पढ़ने। देखिए मेरी बात ठीक है, एजुकेशन हमें ये सिखाती है, एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हम जो सा ना अच्छा फैसला कर सकें, ठीक है, और तो अच्छी हैप्पी लाइफ कर पाते हैं। इंडिविजुअल तौर पे देखें ना, आप कहते हैं कि मुझे एक अच्छे इंसान की तलाश है, अच्छा। आप खुद अच्छे बन जाएं या फिर किसी की तलाश खत्म हो जाए, इसलिए आपको पहले अच्छा बनना चाहिए। मिलिट्री में जाना चाहते हैं मेरे ख्याल से, आप मिलिट्री की शर्ट पहनी है या मिलिट्री में ही है? देखिए मैं तो एज ए सिविल डिफेंस के अंदर सेक्टर वार्डन हूँ, अच्छा, और मैंने कोटा प्लांट वहाँ पर भी मैंने मिलिट्री के, आपने फायर सर्विस यूनिट में जॉब की है, मेडिकल पे आया हूँ मैं। एटॉमिक एनर्जी में आप छोड़ो यार, एटॉमिक एनर्जी ये एक नंबर का फर्जी आदमी है, ये टी शर्ट इसने पहन ली है इसका कोई मतलब नहीं है, एकदम एक नंबर का ये निठल्ला आदमी है, एक नंबर का। अरे बे एटॉमिक पावर हो तो उस एटॉमिक पावर से क्या किया तुमने? किसी को डरा दिया, डरा के कश्मीर ले लिया, डरा के अफगानियों के पास तो नहीं है ना एटमी पावर, डरा दिया तुमने उनको, रोज ठोकते हैं वो तुम्हें, डरा दिया तुमने अफगानियों को, अफगानिस्तान को, किया क्या एटॉमिक पावर होने से? अब तो मुझे शक हो रहा है कि एटॉमिक पावर हो भी कि नहीं हो, क्योंकि उसका कोई फायदा तो अभी तक नजर आया नहीं ना उसके। अगर एटॉमिक पावर, भाई मेरे पास कोई बड़ा हथियार होगा तो उसके दम पर तो मैं अपने दुश्मनों को डरा दूंगा ना यार, डरा दूंगा मैं उनको, अपना रौब दिखाऊंगा, घंटा तुम्हारा तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात आइए इकॉनमी पे, यार पाकिस्तानी तुम लोग ना इकॉनमी की बात करना बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग को इकॉनमी का ई भी नहीं पता, इकॉनमी का ई भी नहीं पता। तुम लोग को यह भी नहीं पता कि तुम्हारी जो रोटी आ रही है वो आईएमएफ की दया पर आ रही है। जिस दिन आईएमएफ से लोन आना बंद हो जाएगा उस दिन तुम्हारे हलक से निवाला नहीं उतरेगा, क्योंकि हाथ में निवाला होगा नहीं। लेकिन तुम तो कहो अरे हम तो हमारे खेत हैं, हम तो उपजा लेंगे कर लेंगे, अबे भूतिए हाँ को चौपड़े। 24 करोड़ आवाम है, उनमें से 1 करोड़ के पास खेत है और वो गंदुम उपजा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 24 करोड़ आवाम जो है वो गंदुम खा लेती है और रोटी खा लेती है। अगर ऐसा होता तो आटा इंपोर्ट नहीं करना पड़ता और लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ता, लोगों को अपनी जानें तक नहीं देनी पड़ती आटे के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तुम लोग क्या इंडिया की इकॉनमी लगा रखे हो बे, ना तुम 3 में ना 13 में, तो काय को पड़े हो फेरे में? दोस्तों आप बताएं, आप भी मजे लीजिए इस खबर के, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।